चलिए दोस्तों लेके आए हो और एक जबरदस्त टेक न्यूज। और सबसे पहले जो न्यूज दोस्तों वो आ रहा है रियलमी की तरफ से। रियलमी की तरफ से आने वाला है रियलमी GT नियो। ये जो फोन है आज चाइना के अंदर लॉन्च हो गया और इस फोन में डायमेंसिटी 1200 चिपसेट देखने को मिलता है। साथ ही साथ 3.5mm जैक भी आता है और जो डिस्प्ले है वो एमोलेड डिस्प्ले विद 120Hz आता है। 65W की फास्ट चार्जिंग आती है और इतनी सारी चीजें मिला के इस फोन के बेस वेरिएंट की प्राइस है सिर्फ 22,000। मैं कन्वर्ट करके बता रहा हूँ प्राइस, मतलब इतने कम प्राइस में इतने अच्छे स्पेसिफिकेशन इस फोन के चाइना के वेरिएंट में देखने को मिलते हैं। तो देखना होगा क्या इंडिया में ये जो फोन है अंडर 25,000 आता है या फिर उससे ज्यादा प्राइस पे आता है, ये देखना होगा। और अगली न्यूज आ रही है IQ की तरफ से। IQ ने भी आज IQ नियो Z3 ये जो फोन है इसको लॉन्च कर दिया और इस फोन में भी एक बहुत ही बढ़िया प्रोसेसर दिखाई देता है। Qualcomm की तरफ से नया चिपसेट दिखाई दे रहा है, Qualcomm Snapdragon 7868। ये जो 5G वाला नया चिपसेट है ये इस फोन में आता है और साथ ही साथ इस फोन में 55W की फास्ट चार्जिंग आती है। 120Hz का एक IPS LCD डिस्प्ले आता है। लेकिन इतनी सारी चीज़ें होने के बाद भी इस फोन की प्राइस है 19,000 रुपये। अब ये जो फोन है चाइना के अंदर इस प्राइस पर लॉन्च होगा और इंडियन BIS सर्टिफिकेशन साइट पर भी लिस्ट हो चुका है। इसका मतलब इंडिया में भी ये फोन शायद अंडर 20,000 आ सकता है। तो देखना होगा IQ की तरफ से IQ Z3, IQ Neo 5 और IQ 7 ये जो तीनों फोन से इंडिया में कब तक आते और किस प्राइस पे आते ये देखना सबसे इंटरेस्टिंग होगा। और अगली न्यूज आ रही है पोको की तरफ से। पोको M3 ये जो फोन है इसके 5 लाख यूनिट है वो पोको ने सोल्ड कर दिए और सिर्फ 45 डेज में। मतलब जब से ये फोन इंडिया में लॉन्च हुआ तब से सिर्फ 45 डेज में ये जो फोन है इसके 5 लाख यूनिट बेचे गए। बहुत ही क्रेजी न्यूज है। और अगली भी न्यूज पोको की तरफ से आ रही है। पोको की तरफ से पोको M2 रीलोडेड इस नाम से एक फोन आ सकता है, ऐसी खबरें निकल के आ रही। तो देखना होगा ये जो फोन है कितना ज्यादा रीलोडेड होता है और क्या पोको इस फोन की प्राइस जो है वो कितनी रीलोडेड लगता है, ये देखना सबसे इंटरेस्टिंग होगा। अगली न्यूज आ रही है वन प्लस की तरफ से OnePlus 9 सीरीज। ये जब लॉन्च हुई तो बहुत सारे मिक्स रिएक्शन थे कि इस फोन की प्राइस जो है, मतलब ये जो सीरीज है ये पूरी ओवर प्राइस है। कुछ लोगों की थी कि अच्छे प्राइस पे फोन अच्छे स्पेसिफिकेशन के साथ लॉन्च किए। लेकिन अगर मैं आपको बता दूं कि पहले दिन की इस फोन की प्री बुकिंग जो है वो इंडिया में इतनी ज्यादा है कि आप कहेंगे ये जो फोन है बहुत ही अच्छे है। इस फोन की प्री बुकिंग जो इंडिया में 324% हाई है अगर आप कंपेयर करते हैं OnePlus 8 सीरीज की प्री बुकिंग के साथ, तो उससे 324% हाई, मतलब 350 गुना ज्यादा बुक हो चुका है OnePlus 9 सीरीज। इसका मतलब OnePlus 9 सीरीज है ये इंडिया में हिट हो चुके हैं ऑलरेडी। और अगली न्यूज आ रही है 4G इस गेम को लेकर। ये जो गेम है एंड्रॉयड में आया था, वैसे ही बहुत सारे लोगों ने डाउनलोड किया था, लेकिन उसमें से 70% जो लोग थे जिन्होंने पहली बार इस गेम को डाउनलोड किया था उन्होंने इस गेम को अनइंस्टॉल कर दिया था। और अब ये जो गेम है ये iOS में आने वाला है, मतलब iOS डिवाइस अगर आपके पास Apple का iPhone हो, iPad हो या फिर MacBook हो तो तीनों ही में आप इस गेम को खेल सकते हैं। वैसे अभी तक ये जो गेम है ये आपको कैसे लगा आप नीचे कमेंट करके जरूर बताएं दोस्तों। और अगली न्यूज आ रही है Xiaomi की तरफ से 29 मार्च इस दिन पे जो लॉन्च इवेंट होने वाला है उसके अंदर इंडिया में शायद Mi Band 6 जो है वो देखने को मिल सकता है, क्योंकि Xiaomi का जो ट्विटर का हैंडल है वहां पर उन्होंने इसके फोटोज डाल दिए। इसका मतलब Mi Band 6 जो है ये 29 मार्च को आने वाला है, ये बात कंफर्म हो चुके हैं। तो देखना होगा कितना खास होता है ये और क्या इसके अंदर, जैसे रूमर्स और लीक्स रहे थे व्हाट्सअप और टेलीग्राम ये दोनों एप्लीकेशन जो है ये हम इसके अंदर यूज कर पाते हैं या फिर नहीं, ये देखना सबसे इंटरेस्टिंग होगा। और अगली न्यूज आ रही है Qualcomm की तरफ से। Qualcomm ने आज Qualcomm Snapdragon 780G ये जो 5G वाला चिपसेट है इसको लॉन्च कर दिया है। तो देखना होगा ये जो चिपसेट है Qualcomm Snapdragon 765G ये जो चिपसेट है इससे कितना ज़्यादा पावरफुल होता है, मतलब कितना अच्छा परफॉर्मेंस दे पाता है और कौन सा फ़ोन ऐसा होता है जिसके अंदर ये चिपसेट पहली बार इंडिया में आता है, ये देखना सबसे इंटरेस्टिंग होगा। तो चलिए दोस्तों आज की टेक न्यूज़ को यही खत्म करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और नीचे कमेंट करके बताइए दोस्तों OnePlus 9 सीरीज की प्राइस जो है वो आपको कैसी लग रही है, ओवर प्राइस, अंडर प्राइस या फिर बहुत ही बढ़िया प्राइस पे बहुत ही अच्छी स्पेसिफिकेशन के साथ ये फोन लॉन्च हुए, आपको क्या लग रहा है इसके बारे में आप नीचे कमेंट करके जरूर बताइए दोस्तों।